हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पिछली वीडियो के अंदर हमने 1 to 9 काउंटिंग के बारे में डील किया था, नंबर्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू और नंबर्स के थ्रू वो हमने सीखा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर के बारे में, मोर एंड लेस देन के बारे में। ओके, कि ज़्यादा नंबर बड़ा नंबर कौन सा होता है, लेस मतलब छोटा है, कम नंबर कौन सा होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड मतलब पहले नंबर कौन सा होता है, बैकवर्ड मतलब बाद में नंबर कौन सा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर। हमें काउंटिंग करनी है 0 से 9 तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। पहले फॉरवर्ड सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थी हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। अब हम करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग मतलब उल्टी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये थी हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है सीधी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग होती है उल्टी गिनती। ओके, ये थी हमारी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, एकदम इजी है। इससे रिलेटेड आपको आपकी एक्सरसाइज करनी है 2B, ये है हमारी एक्सरसाइज 2B जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फॉरवर्ड काउंटिंग, राइट द मिसिंग नंबर ऑफ फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे मिसिंग स्पेसेस छोड़ के जिनमें आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी, मतलब 1 ज़्यादा ऐड करके फॉरवर्ड आगे काउंटिंग को बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 1, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर 4 एंड 5। अब हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब गिनती को आगे बढ़ाना है। ओके, तो 1 के बाद क्या आता है 2, एंड 2 के बाद क्या आता है 3, एंड 3 के बाद आता है 4, एंड 4 के बाद आता है 5। ये थी हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, एंड 6 के बाद क्या आता है 7। हमने अपनी गिनती को फॉरवर्ड मतलब सीधा चलाया है, इसलिए हमें काउंटिंग सही से होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बैकवर्ड काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 के पहले क्या आता है 8, 7 के पहले क्या आता है 6, सॉरी 7 के पहले आता है 6, फिर 5, देन 5 के बाद आता है 4, एंड 4 के बाद क्या आता है 3। जैसे कि हमने उसकी बैकवर्ड काउंटिंग में देखा था कि 7 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 5, एंड 5 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 3। उल्टी गिनती करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है 9 से पहले क्या आता है 8, 8 से पहले क्या आता है 7, 7 से पहले क्या आता है 6, और 6 से पहले क्या आता है 5। ओके, ये थी हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग होती है 1 to 9, बैकवर्ड काउंटिंग होती है 9 to 1। ओके, मतलब हमें फॉरवर्ड काउंटिंग के अंदर सीधी गिनती करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग के अंदर हमें उल्टी गिनती करनी है। सीधी गिनती मतलब 1 के बाद जो आने वाले हैं 9 to 9 वो, बैकवर्ड काउंटिंग मतलब 9 से पहले जो आते हैं वो। ओके, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इसका वो है मोर एंड लेस। मोर मतलब होता है ज़्यादा, लेस मतलब होता है कम। हमें यहाँ पे पिक्चर्स बना के बताया गया है और हमें इसमें समझाया जाएगा कि मोर मतलब ज़्यादा नंबर कौन से होते हैं, लेस मतलब कम नंबर कौन से होते हैं। ओके, मोर नंबर वो होते हैं जो हमें नंबर मिला होता है, गिवन नंबर होता है, जो हमें नंबर दिया गया होता है उससे एक ज़्यादा। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया गया है, हमें 5 दिया गया, अब इससे मोर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इसके बाद आने वाला है जिसमें एक ज़्यादा होगा, मतलब 6 इससे बड़ा है, इसके बाद आता है कम, आफ्टर इसके बाद आता है, एंड एक ज़्यादा है इसलिए बड़ा है मतलब मोर है। लेस क्या होता है, लेस वो होता है जो नंबर हमें दिया गया है उससे एक कम, या उससे जो पहले आता है बिफोर आता है, बाद में नहीं बिफोर आता है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे 7 दिया गया, ये हमें गिवन नंबर है, गिवन नंबर के एक छोटा, गिवन नंबर छोटा होता है 6, मतलब हमें 7 दिया गया छोटा है 6, एक कम है और इससे पहले आता है। ओके, ये होता है लेस। जैसे कि यहाँ पे हमें एक पिक्चर बना के दिखाया गया है, इस बॉक्स में कितने स्टार्स हैं, 1 2 3,
इस बॉक्स में कितने स्टार है? 1, 2, 3, 4. इनमें से मोर कौन सा है? मोर क्या होता है? गिवन नंबर से एक ज्यादा, जो हमें दिए गए नंबर उससे एक ज्यादा, वो होता है मोर. यहाँ पे हमें दिया हुआ था 3 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4. तो 3 से एक ज्यादा है 4, 3 के बाद ही आता है 4, तो ये हो गया मोर. तो हम उसमें करेंगे 1. इसमें हमें बताना है लेस कौन से. ओके, हम काउंट करते हैं बोल्स को, 1, 2 और ये है 1. तो हमें यहाँ पता है कि ये जो है हमें काउंट किया ये है 2 और हमें ये काउंट किया ये है 1. लेस में हमें क्या करना होता है? जो गिवन नंबर है उससे एक छोटा या उससे जो पहले आता है. हमें यहाँ पे किसी नंबर दिया हुआ है 2, यहाँ पे है 1. 2 से पहले आता है 1 और 2 से 1 छोटा है, तो ये हो गया लेस नंबर. तो हम इस पर टिक कर देंगे कि ये है लेस. ये था हमारा टॉपिक मोर एंड लेस का. इससे रिलेटेड हम अपने एक्सरसाइज करेंगे 2C. हमारी एक्सरसाइज 2C, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2C का, वो है नंबर मोर देन गिवन. हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें मोर देन गिवन नंबर, हमें उनसे ज़्यादा नंबर लिखने हैं. मीन्स जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है उससे एक ज़्यादा नंबर हमें दे के लिखना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर हमें दिया गया है उससे एक ज़्यादा या उसमें एक उससे बड़ा जो उसके बाद आता है. जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर दिया है 5. ओके, 5 इज अ गिवन नंबर. हमें ये 5 जो नंबर है वो हमें दिया गया है. अब हमें बताना है मोर, मोर बताना है मोर देन गिवन नंबर, जो हमें दिया गया है उससे एक ज़्यादा. ज़्यादा एक तो हो गया 5 से आगे आता है 6 जो उसके बाद आता है, और ज़्यादा 6 जो है 5 से बड़ा है या ज़्यादा है. ओके, जैसे वापस हम जाते हो आपको, हमें दिया गया 5. ओके, 5 दिया गया है, 5 के बाद कौन सा आता है? 6 आता है. एंड 5 से बड़ा कौन सा है? मोर कौन सा है? 6 है. एक नंबर ज़्यादा है 5 से, इसलिए हम 5 के बाद लिखेंगे 6. अब हमारा सेकंड नंबर है वो है 7. अब हमें बताना है मोर. 7 के आगे क्या आता है? 7 से पहले बाद में क्या आता है? 8 आता है. और 7 से बड़ा कौन सा है? 7 से एक मोर कौन सा है? 8 है. 8 बड़ा है, 7 छोटा है. 7 के बाद में आता है 8 और 7 से बड़ा है 8. हमें काउंटिंग फॉरवर्ड करनी है, अपनी 8 बढ़ाना है उसमें. हमें काउंटिंग पता है कि 7 के बाद आता है 8, इसके बाद में आता है 7 से बड़ा है 8, मतलब मोर है. तो हम यहाँ लिखेंगे 8. नेक्स्ट जो हमारा है वो है 2. काउंटिंग फॉरवर्ड, काउंटिंग को आगे करेंगे तो 2 के बाद आता है 3. थ्री, ओके, 2 के बाद आता है 3 और जो 2 से बड़ा क्या है? 3, मतलब मोर है. 2 से आगे मतलब जो गिवन नंबर है उससे बड़ा क्या है? 2 से बड़ा क्या है? 3. एंड 3 जो है फॉरवर्ड काउंटिंग 2 के बाद आता है. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 3. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेस देन गिवन नंबर. जो हमें नंबर दिया हुआ है उससे एक कम बताना है, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग चलानी है. लेस देन गिवन नंबर, दिए गए नंबर से एक कम बताना है. जैसे कि हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हमें यहाँ 3 दिया हुआ है. 3 से छोटा मतलब पहले जो आता है, 3 से छोटा जो पहले आता है, 3 से पहले आता है 2. ये देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग में 3 से पहले आता है 2. हाँ जी, 3 से पहले 2 आता है. 3 से छोटा है 2, लेस देन है 2. गिवन नंबर से लेस होना चाहिए, लेस देन गिवन नंबर. गिवन नंबर क्या है हमारा? 3. लेस क्या है? 2, मतलब 3 से छोटा है 2 और 3 से पहले आता है 2, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग. ओके, तो यहाँ आएगा 2. ओके, अगला हमें दिया गया 7. 7 हमारा गिवन नंबर है, गिवन नंबर से छोटा, लेस देन गिवन नंबर. 7 से छोटा क्या है? 6, और 6 जो है वो 7 से पहले आता है बैकवर्ड काउंटिंग. 7 से पहले आता है 6. ओके, 7 से पहले आता है 6, लेस देन है 6, तो हम 7 लिख देंगे इसमें 6. नेक्स्ट जो है वो हमें दिया गया 9. 9 जो है हमारा गिवन नंबर है, हमें लेस देन नंबर लिखना है. 9 से लेस कौन सा होता है? 8 होता है बैकवर्ड काउंटिंग में. 9 से लेस कौन सा है? पहले कौन सा आता है? 8 आता है. 8 जो है वो पहले आता है, बैकवर्ड काउंटिंग हो गई. और जो 9 से पहले आता है 8, वो हो गया लेस देन 9, मतलब जो गिवन नंबर है हमारा 9.
जीरो से नाइन नंबर के बारे में पढ़ा, फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी हमने, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी, मोर नंबर पढ़े और लेस नंबर पढ़े, किस तरीके से हम नंबर्स को मोर एंड लेस के रूप से देख सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग के रूप से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव